समेन से कहो के कीर्तन बोलो तो कोई नहीं बोलती, क्योंकि शर्म लगते है, शर्म लगती है। और जे काव को ब्याह होए, काव को तेल ताई होए, फिर देखो झटका है न के ए लोगों को पता है ना, कब एंटीना घूम जाए, कौन सो चैनल पकड़ ले और कहां से बोलना शुरू हो जाए। वो हम तो जो सोचे मरे जाते हैं, भगवान इन के गीत लिखनवा, वो कभी कौन से गांव में रहा। तो अब गाड़ी देने के लिए तैयार होती है तो राम लक्ष्मण से एक बात बोले, भैया तुम बीच में ज्यादा बोलते हो, कोई कुछ भी कहे तुम नहीं बोलोगे। लक्ष्मण बोले हाँ 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 बिल्कुल नहीं भैया नहीं बोले। अब लड़कियां आगे बढ़ी और राम को गाली देती हुई बोली, ए राम मेरी एक बात सुनो। क्या? तो बोली कि तुम से नित आवे मेहमान, ओ हमारे घर विद्या के धनी, तुम से नित आवे लेन देन को कछनाए हम पे हमें खाली याद, लेन देन को कछनाए हम पे हमें खाली याद, मेरी दादे दी की रघुबर अपना तुम्हारे याद, सेवा तुम पे हरे हरे सेवा तुम पे कछना बनी, तुमसे मिलता आते बड़ी बूढ़ी खड़ी ने बोले रुके जा तो हमें गा लेंदे। बोले तुम आऊंगा। अबे बड़ी बूढ़ी जो रहे वे बरात बालन को गाली देती वही बोली, का बोली कि सारे समाधि की, बोली कि मेरे समाधि की दुर्बल लते हो, ओ अलवेली लागे समाधि की बोली क्यों आप सब लोग चिल्ला रहे हो, बरात की तरफ से कोई बोली नहीं रहो। बोले तो बुलवा ना की अकली ना हम बुलवाए। बोले बुलवा ना। अब लड़की आगे बढ़ी और राम से बोली, राम तुम्हें पता है अयोध्या में क्या होता है? बोले क्या होता है? तो राम क्यों गाली देती वही लड़की बोली, हमें पूछो क्या होता है, क्या होता है? तो बोली ना तकदीर से होते और ना पीर से होते, बाबापुरी में लड़का पैदा खीर से होते, जो जब बात कही और तो कोई नहीं बोला, लक्ष्मण से नहीं रुका गया। और लक्ष्मण धीरे से राम से बोले, भैया अब रुको हमसे बुनाए जा। तो बोले कह ले। तो लक्ष्मण खड़े हो गए और बोले, तुमने ये तो बता दिया अयोध्या में क्या होता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता इस जनकपुर में क्या होता है, क्या होता है? तो बोले सुनो हमें पूछो ना, चोर करी होती और ना सोर करी होती, बच्चा जनकपुरी में लड़की धरती भोर करो, बड़ा हंसी खुशी के साथ सब लोग भोजन करते हैं। और ये बारात वहां से चली आई, 7 दिन रास्ता में लगे, पहुंच गए अयोध्या में। देखो कहां दशरथ एक एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, आज घर में चार चार कुल वधुएं घूम रही हैं, बड़े आनंद में है दशरथ। तो एक दिन दशरथ ने एक मन में बात सोची, अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है, कई लड़ाई झगड़ा ना हो तो अपनी तीनों पत्नियां